नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वन इंडिया हिंदी में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क और पत्नी केले ने 7 साल की शादी के रिश्ते को खत्म कर दिया है। दोनों ने आपसी समझौते से अलग होने का फैसला लिया था और तलाक की जानकारी देते हुए इस बात को पक्का किया। आपको बता दें, मई 2012 में माइकल क्लार्क ने केले से शादी की थी। ऑस्ट्रेलिया के विश्व विजेता कप्तान माइकल क्लार्क ने पत्नी केले को 7 साल के बाद तलाक दे दिया। 7 साल तक शादी के रिश्ते में रहने के बाद अब दोनों अलग हो गए हैं। क्लार्क को केली की 4 साल की एक छोटी बेटी है, जिसका नाम क्लार्क और केले ने केले से रखा है। मई 2012 में शादी के बंधन में बंधने वाले क्लार्क ने बुधवार को रिश्ते से अलग होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा, कुछ वक्त तक अलग रहने के बाद हमने ये मुश्किल फैसला लिया है। हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला लिया है और तय किया है कि अब एक कपल के तौर पर नहीं रहेंगे। हम एक दूसरे के प्रति काफी सम्मान रखते हैं और आपसी सहमति के साथ ही अलग होने के नतीजे पर पहुंचे हैं। यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा और हमने अपनी बच्ची का साथ मिलकर देखभाल करने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक क्लार्क ने तलाक के लिए $40 मिलियन की अलमनी दी है। भारत के रुपए के हिसाब से ये इस वक्त 2 अरब रुपए से भी ज्यादा है। आपको बता दें, माइकल क्लार्क की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने साल 2015 में विश्व कप जीता था। इसी टूर्नामेंट के बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। ऑस्ट्रेलिया के लिए 115 टेस्ट मैच खेलने वाले क्लार्क ने 8,643 रन बनाए हैं, जिसमें 28 शतक शामिल है। वहीं 245 वनडे मैच में उनके नाम 7,981 रन है। वनडे में क्लार्क ने 8 शतक और 58 अर्धशतक बनाए हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।